हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है अपने एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ऐसा ही एक इक्वेशन और भी दिया हुआ है जिसमें क्या है कि आपको इक्वेशन में कहीं ना कहीं k दिख जाएगा। आपको उस k का ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए इस द्विघात समीकरण के दो समान मूल हो जाएं। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या फंडा है, दो समान मूल कब आते हैं, तो फिर वही डिस्क्रिमिनेंट वाला बात आ जा रहा है। द्विघात समीकरण का विवेचकर जो होता है, विवेचक जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डी का वैल्यू आप जिसको निकालते हैं b²-4ac के फॉर्मूले से, वो अगर जीरो हो जाए तो द्विघात समीकरण के दो समान मूल होते हैं। तो हमको क्या करना है कि यहां से जो भी कुछ दिया हुआ है abc करके उसमें से चूज कर लेना है, और उसके बाद जो है d=0 ले करके एक इक्वेशन जैसा फॉर्म करके सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल लेना है। क्वेश्चन देखो, देखिए कैसे मैंने सॉल्व किया है तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है समीकरण के दो बराबर मूल होंगे यदि d=b²-4ac बराबर आपके क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो द्विघात समीकरण दो समान मूल होंगे। तो अब देखिए आपने यहाँ पे पहले चूज कर लिया हुआ, आपको देखिए यहाँ पे x² के सामने जो 2 दिख रहा है वो आपका a का वैल्यू हो जाएगा, x के सामने जो आपको k दिख रहा है वो आपका b का वैल्यू हो जाएगा, और जो अकेले दिख रहा है आपको ये 3 वो आपका c का वैल्यू हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि इस फॉर्मूले में आपको सारे मान रख देने हैं, तो आपको b की जगह पे रखना है k²-4 होगा, 1 के जगह पे आपको रख देना है 2 और c की जगह पे रख देना है 3 बराबर आपको 0 ले लेना है, क्योंकि इसको 0 करना ही है। ये सारा वैल्यू जो 0 हो जाएगा तभी जाकर के जो है हमारे द्विघात समीकरण दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, अब इसके लिए अब इस एक तरह का इक्वेशन बन चुका है जिसमें k अननोन है, k अज्ञात है, इसी k को आपको क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े, इसको k² हो जाएगा और आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 × 2 × 3, तो आपको मिल जाएगा 24=0। अब आपको क्या करना है कि इस 24 को ले जाना है राइट साइड में, गया तो ये जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। k² का जो है आपको वैल्यू नहीं निकालना था, वो आपको 24 मिला है, आपको k का वैल्यू निकालना था, तो आप स्क्वायर को भी इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा राइट साइड में, तो जाकर के रूट हो जाएगा, है ना। तो जब ये रूट हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये k का मान है वो हो जाएगा आपका √, है ना, 24, जो कि प्लस और माइनस आपको दोनों में ही लेने हैं, तो इसीलिए आपका k का वैल्यू हो जाएगा। देखिए आपको 24 को तोड़ देना, कुछ करना नहीं है, √24 को तोड़ेगा आपको 2√6 मिल जाएगा प्लस माइनस में। ठीक है, तो ये दो जो वैल्यू मिल रहे हैं k के, प्लस 2√6 और -2√6, ये दोनों ही मान ऐसे हैं k के जिनके लिए इस द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हैं, है ना, कि आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको कि kx(x-2+6)=0। तो देखिए आपको ये देख करके तो पहले नजर में द्विघात समीकरण लग नहीं रहा, आपको कहीं पर भी पावर यहाँ पे 2x पे दिख नहीं रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, kx का मल्टीप्लीकेशन करेंगे x में, तो आपको हो जाएगा kx² और फिर -2 में कीजिएगा तो -2kx आ गया, यहाँ पे 6 बेचारा अकेले रह जाएगा यहाँ पे बराबर 0। अब आपने एबीसी के मान चुनने, तो ए का मतलब क्या होता है, x² का कोफिशियंट गुणांक, तो आपका k हो जाएगा। बी का मतलब एक्स का कोफिशियंट, एक्स का गुणांक, तो वो हो जाएगा आपका -2k जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और सी का वैल्यू अचर पद आपका हो जाएगा 6। ठीक है, आप समीकरण के यहाँ पे मैंने फिर से मेंशन किया, समीकरण के दो बराबर मूल होंगे यदि d=b²-4ac=0 हो जाए। तो आपने बस यही करना है, इस फॉर्मूले में जो है सारे मान पुट कर देने हैं और उसको k के लिए सॉल्व कर लेना है, k का मान निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपने b की जगह पे रखा है -2k²-4, 1 की जगह पे आपने रख दिया हुआ है यहाँ पे k, और c की जगह पे रखते अपने यहाँ पे 6=0 हो गया। स्क्वायर कर लीजिए भाई, ठीक है, -b है तो +2 हो जाएगा इसका, 2k², 4k² हो जाएगा। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 6×4 आपको 24k=0। अब यहाँ पर जो द्विघात समीकरण बना है तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, द्विघात समीकरण तो ये बना है लेकिन काफी सिंपल टाइप का। आप देखिए यहाँ से 4, यहाँ से भी 4 कॉमन हो सकता है, तो कॉमन कर लिया हमने, k² है यहाँ पे k है तो हम यहाँ से k भी कॉमन कर लेते हैं, तो 4k हमने कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में हमको क्या मिल गया भाई, k-6। यहाँ से 4 और k कॉमन है, 1 k यहाँ पे बचा हुआ है, माइनस 24 में से आपने जो है 4 कॉमन कर लिया और k से k उठा ही लिया, तो बचा सिर्फ यहाँ पे क्या, सिर्फ 6 बचा, बराबर 0।
तो इस तरह से आपका ये जो है जो इक्वेशन आपको यहाँ पे ये मिला है ये तुरंत ही दो खंडों में मतलब दो गुणन खंडों में टूट चुका है। आप इन दोनों गुणन खंडों को बारी बारी से जीरो के बराबर लेते हैं और के का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे फोर के बराबर अगर आप जीरो लेते हैं तो के बराबर जीरो बाई फोर आ जाएगा, है ना, यानी कि के बराबर जीरो हो गया आपका वैल्यू, ठीक। और यदि आप के बराबर माइनस सिक्स बराबर जीरो लेते हैं, सॉरी के माइनस सिक्स बराबर जीरो लेते हैं तो आपको के बराबर सिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हैं जिन पर जो है समीकरण के दो समान मूल आ सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, देखिए ये जो वैल्यू है आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस पर जो है आपका ये द्विघात का दो बराबर मूल नहीं आने वाला है। वजह क्या है, तो वजह ये है कि अगर आप के बराबर जीरो लेते हैं, ठीक है, तो आप आ जाइए अपने इक्वेशन पे, ये आपको इक्वेशन दिख रहा है, आप अगर यहाँ पे के बराबर जीरो रख देते हैं तो ये जो पार्ट है आपका स्क्वायर वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट, ये तो जीरो हो जाएगा, फिर आपका द्विघात समीकरण रह ही नहीं जाएगा। तो इसलिए जो ये के बराबर जीरो वाला जो वैल्यू है ये आपका अमान्य है, ठीक है, ये आपका अमान्य है, यानी कि आपका यहाँ पे एक ही आंसर हो रहा है कि एक बराबर सिक्स, है ना, जिस पर कि आपके द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल होंगे। के बराबर जीरो जो है ये आपका आंसर नहीं है, अमान्य है, क्योंकि ये के बराबर जीरो रख देने पर आपके जो द्विघात समीकरण के जो द्विघात समीकरण वो क्या हो जा रहा है, द्विघात समीकरण नहीं रह जा रहा है, एक स्क्वायर वाला पार्ट जीरो आ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन सेकंड भी निपटा लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के दो पार्ट हो जा रहे हैं, पहले पार्ट में आपको पूछ रहा है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी हो और साथ ही क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि यदि है ऐसा, अगर ऐसा स्थिति संभव है, अगर ऐसी बगिया बनाना संभव है तो आप उसकी लंबाई और चौड़ाई, उस बगिया की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीधी सी बात है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं आसानी से कि जो बगिया होगी वो आयताकार होगी, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि आम की जो बगिया की चौड़ाई है बी वो एक्स मीटर है, ठीक है, तो आम की बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, जैसा कि क्वेश्चन बोला है कि लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो आम की बगिया की चौड़ाई हमने एक्स माना, तो आम के बगिया की लंबाई जो है एल वो चौड़ाई की दुगुनी, यानी कि एक्स की दुगुनी 2x हो जाएगी, यहाँ पे मैंने मीटर लगाया हुआ है, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन से क्या हो रहा है कि एक जो अगला कंडीशन बोला था कि बगिया का क्षेत्रफल भी साथ में 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो 800 मीटर स्क्वायर हमने क्षेत्रफल रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए अब एल इंटू बी, क्षेत्रफल निकालते कैसे हम लोग आयताकार भूखंड का, तो वो निकालते हैं एल गुड़े बी से, लंबाई गुड़े चौड़ाई से, तो अगर एल गुड़े बी कराया जाए, है ना, तो वो क्षेत्रफल के बराबर आएगा, यानी कि 800 मीटर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे एल का वैल्यू जो आपने रखा वहां से 2x चूज करके और बी का वैल्यू आपने एक्स चूज करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है, बराबर में आपने 800 लिखा, गुणा कर लीजिए आप इसका, तो 2x का गुणा जब आप एक्स में कराइएगा तो आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा 800। तो यहाँ से आप 2 को भेजेंगे राइट साइड में जाकर के 800 को कैंसिल करेगा, मिल जाएगा आपको 400, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आपको मिला, ठीक है। आगे देखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मिला, तो आप इस 400 को लेके आइए लेफ्ट साइड में, है ना, तो हो जाएगा -400 इक्वल टू 0। अब आपको ये पता लगाना है कि ऐसी बगिया बनाना संभव है कि नहीं है, ठीक है, तो हमने द्विघात समीकरण तो पा लिया, तो बगिया बनाना तब संभव हो पाएगा जबकि इसके वास्तविक मूल का अस्तित्व हो, ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि इसके वास्तविक मूल है कि नहीं है, अगर वास्तविक मूल है तो ऐसी बगिया बनाना संभव है, अगर वास्तविक मूल नहीं है तो ऐसी बगिया बनाना भी संभव नहीं है। तो ये आप काम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चन में तरीका अपनाया था उसी तरीके से कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग यहां से डी कैलकुलेट कर लेंगे और डी कैलकुलेट करने के बाद जो है ना हम लोग पता कर लगा लेंगे कि बगिया बनाना संभव है तो नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या मैंने डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये छोड़ दीजिए पार्ट, ये काटा गया है। तो आप यहाँ से ए का वैल्यू क्या लीजिएगा, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, बी का वैल्यू तो एक्स वाला पार्ट तो यहाँ पे गायब ही है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि बी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सी अचर पर जो आपका -400 हो जा रहा है। तो फॉर्मूला डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसमें आप रखेंगे मान बी का 0 -4 इंटू ए का वैल्यू आप 1 और सी का वैल्यू 400 रखेंगे, गुणा करके आपको देखिए माइनस माइनस जो है गुणा करके आपको प्लस में 1600 मिल जा रहा है, 1600 मिल जा रहा है। तो चूंकि ये ग्रेटर देन 0 है, प्लस में माना है ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह सकते हैं कि
इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है ना, और इसीलिए ऐसी बगिया बनाना भी संभव है। तो आइए हम लोग बगिया की लंबाई और चौड़ाई अब ज्ञात कर लें। ठीक है, तो जो इक्वेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो जो कि पीछे आपने लाया था, मैं उसी को सिंपली सॉल्व कर दे रहा हूँ, काफी आसानी से इसका मान मिल जाएगा आपको। माइनस फोर हंड्रेड को आप फिर राइट साइड में लेकर चले आइए, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर फोर हंड्रेड है ना, और एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्क्वायर विद इज इधर 400 का रूट हो जाएगा जो कि प्लस और माइनस दोनों में आएगा, और आपको यहाँ पे मिल जा रहा है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। 400 का रूट होता है स्क्वायर रूट होता है 20। तो यहाँ पे एक्स के आपको दो वैल्यू मिल गया प्लस 20 और माइनस 20। तो देखिए एक्स बराबर प्लस 20 जो है ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक्स बराबर माइनस 20 जो है आपका आंसर नहीं होगा, ये जो है ये अमान्य हो जाएगा। अमान्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है लंबाई निकाल ली है ना, बगिया की लंबाई और चौड़ाई निकाली, तो लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जो है आपका ये आंसर जो माइनस वाला अमान्य हो जाएगा। तो आप प्लस लेंगे, यहाँ पे लिखा है मैंने कि एक्स बराबर माइनस भी सामान्य है, इसीलिए आम की बगिया की जो चौड़ाई होगी वो आपकी एक्स जो है वो कितनी ली जाएगी 20 मीटर ली जाएगी, और लंबाई उसकी डबल हो जाएगी 2x हो जाएगी, यानी कि 20 इंटू 2 आपको मिल जाएगा 40 मीटर। ठीक है, तो आपने लंबाई और चौड़ाई बगिया की ज्ञात कर ली। आइए साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये एक एज वाला क्वेश्चन है, आयु वाली समस्या है। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, चार वर्ष पूर्व इनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो आपको ये बताने की क्या ऐसी स्थिति संभव है ना, अगर है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया, माना गया है कि एक मित्र की वर्तमान आयु हम लोग सपोज कर लेते हैं x है, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 माइनस 6 हो जाएगी, क्योंकि दोनों के आयु का योग अगर 20 दिया हुआ है ना, और उसमें से आप अगर एक को x मानते हैं तो दूसरे को आपको 20 माइनस 6 वर्ष मानना पड़ेगा। ठीक है, घटा लेंगे दोनों के योग में से। अब क्वेश्चन के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको मिलेगा कि x माइनस 4 ये क्या हो गया, आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, बोला था कि चार वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो योग था, सॉरी चार वर्ष पूर्व जो उनकी आयु का है ना गुणनफल था वो 48 था। तो देखिए हम सबसे पहले क्या किए हैं कि x माइनस 4 है, ये पहले वाले मित्र का जो आयु x था उसमें से चार वर्ष कम कर दिए हम, चार वर्ष पहले की आयु ज्ञात करने के लिए हम उसकी आयु में से चार घटा ले रहे हैं। दूसरे वाले मित्र का आयु हमने 20 माइनस 6 लिया हुआ है यहाँ पर, इसमें से भी हम चार घटा रहे हैं ताकि हमको चार वर्ष पहले का आयु मिल जाए, और फिर दोनों इन आयु को गुणा करा करके हमने क्या लिखा यहाँ पे 48 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लिख दिए तो हमको एक इक्वेशन मिल गया है। देखिए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा x माइनस 4, और ये देखिए आप 20 में से 4 घटा लीजिएगा 16 हो जाएगा, माइनस 6 बराबर 48। मल्टीप्लाई कीजिएगा आप इसको, x का गुणा करेगा 16 माइनस 6 में, और फिर माइनस 4 का गुणा करेगा 16 माइनस 6 में, तो गुणा करके आपको मिल जाएगा x इंटू 16 16x, x इंटू x माइनस x स्क्वायर, फिर आप 4 का गुणा करेगा 16 में आपको मिल जाएगा 64, माइनस में मिलेगा प्लस माइनस तो माइनस माइनस आपका फिर यहाँ पे प्लस आएगा 4 इंटू x 4x हो जाएगा बराबर 48। ठीक है, आप थोड़ा सा केयरफुल इसको देख लीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि घात के क्रम में इसको सजाना है, घात के घटते क्रम में। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है सबसे आगे लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म देखिए आप यहाँ 16x मिला हुआ है, आपको यहाँ पे 4x मिला हुआ है, तो कितना हो जाएगा 20x जो कि आपने यहाँ पे लिखा, और फिर आप देखिए यहाँ पे 64 है माइनस में, और 48 जो आपको राइट साइड में दिख रहा था वो आपने लेफ्ट साइड में ले लिया बराबर 0। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर किया गया है, 20x को 20x रखे हैं हम यहाँ पे, माइनस 64 और माइनस 48 को जोड़ करके माइनस 112 बराबर हमको 0 मिलेगा। इसमें कुछ कमन वमन करने वाला नहीं है, कुछ कटाने वाला नहीं है, तो सिर्फ हम इसका साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे जो फ्रंट पे आपको दिख रहा है सामने एक्स स्क्वायर के सामने आपका माइनस नहीं होना चाहिए, आप इसको क्या करेंगे माइनस को हटाएंगे तो सारे के सारे जो है यहाँ पे टर्म जो है उनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस आपका फिर प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे ए बराबर 1 लेंगे, बी बराबर माइनस 20 लेंगे, और सी बराबर 112 ले लेंगे। अब आप इसका यूज करते हुए ठीक है निकाल लेंगे डी का वैल्यू, तो डी का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4 ac, तो बी का स्क्वायर यानी माइनस 20 का स्क्वायर, और 4 इंटू ए का वैल्यू 1, और सी का वैल्यू माइनस 112। आप इसका स्क्वायर कीजिएगा आपको मिल जाएगा 400, और आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा आपको मिल जाएगा 448। आप इसका जब डिफरेंस निकालता है आपको मिलता है माइनस 48। तो चूंकि आपका डी का जो वैल्यू आया वो निगेटिव आ गया, यानी कि लेस देन 0 है, लेस देन 0 होने का मतलब हो गया कि ऐसे स्थिति संभव ही नहीं है। ठीक है, जब ऐसे संभव है तो हमको इसको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी खत्म हो गया। थैंक यू।